कुछ और खबरें देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण के लिए आज से नॉमिनेशन भरने का काम शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे चरण में देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा में वोटिंग होगी। नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल होगी और 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 29 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। चौथे चरण के लिए 13 मई को मतदान होगा और उसी के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का नॉमिनेशन आज से शुरू हो रहा है और चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर चुनाव होना है। 13 मई को देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन और खंडवा, इन 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तो उसी के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और कल, क्योंकि पहले चरण का मतदान भी है और आज चौथे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जहां 8 सीटों पर चुनाव होना है वहां के प्रत्याशी अब अपना नामांकन फाइल करेंगे। 25 अप्रैल नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख है। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, यानी कि स्क्रूटनी कराई जाएगी। कोई किसी भी प्रत्याशी के किसी नॉमिनेशन पत्र में कोई गड़बड़ तो नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, इसकी जांच की जाएगी। और उसके बाद कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव ना लड़ना चाहे या उसका मन बदलता है तो 29 अप्रैल तक वो अपना नाम भी वापस ले सकता है और उसके बाद फाइनल हो जाएगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में होंगे। चौथे चरण के लिए फिर 13 मई को वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण के लिए आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आज कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपना नामांकन पत्र आज ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, उसको हालांकि फाइल बाद में करेंगे। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, आज से चौथे चरण के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या जानकारी है, कौन कौन से प्रत्याशी आज नामांकन पत्र ले सकते हैं? देखिए, चौथे चरण के लिए नामांकन की दाखिले की प्रक्रिया आज जो है शुरू हो जाएगी। आज निर्वाचन आयोग अधिसूचना भी जारी कर देगा, क्योंकि आज से 25 अप्रैल तक चौथे चरण का जो है नामांकन दाखिल किया जाएगा। तीसरे चरण की भी अंतिम तारीख 19 अप्रैल है, यानी दो दिन आज और कल तीसरे चरण के लिए भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे और आज से चौथे चरण का भी नामांकन दाखिल किया जाएगा, क्योंकि समूचे मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है और ऐसे में अब चौथे चरण का आज से जो है नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। 25 अप्रैल आखिरी तारीख होगी, उसके बाद समीक्षा की जाएगी और नाम वापसी की भी तारीख 28 तारीख तक जो है नाम वापसी भी ले सकते हैं। तो साफ तौर पर आज से नामांकन की चौथे चरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आज जो है भोपाल से आलोक शर्मा जो हैं वो नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम नेता जो है भोपाल में आज आलोक शर्मा का नामांकन भी दाखिल कराएंगे। ठीक है, हालांकि भोपाल में तीसरे चरण में वोटिंग है और चौथे चरण के लिए अब नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।